हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पतंजलि गुरुकुलम में परमानेंट पोस्ट शैक्षिक पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है उसे हमने समझा कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो में हम नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी बात करने वाले हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। मेन वेबसाइट पर ही जो है यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है। परमानेंट पोस्ट रहेगी, हाँ, सैलरी 35,000 आप लोगों को मिलने वाली है। निशुल्क आवेदन करना होगा, लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर। इसके बाद जो है एप्लीकेशन करने का कोई भी लाभ नहीं होगा, इससे पहले ही आप लोग आवेदन कर दें तो मेन वेबसाइट पर आप चले आए। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्रूटमेंट में आप लोगों को टीचिंग और नॉन टीचिंग दो नजर आ रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दोनों में अलग अलग में जाना होगा। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉन टीचिंग पर क्लिक करेंगे, अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचिंग पर क्लिक करेंगे। बट यहाँ पर विज्ञापन आप लोगों को केवल टीचिंग जो ऑप्शन है उसी में मिलेगा, दोनों का विज्ञापन आप लोगों को टीचिंग और नॉन टीचिंग का इसी में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टीचिंग वाले पर ही जो है क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है पेज ओपन हुआ है, विज्ञापन जो है व्यू डिटेल, यहीं पर आप लोगों को दोनों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप PRT TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शिक्षक पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब चलिए हमें जो है देखना है नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग पदों का, तो व्यू डिटेल पर ही जो है हमें क्लिक करना होगा। तो ये विज्ञापन जो है आपको नजर आएगा और नीचे आप लोगों को नजर आएगा टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, प्री प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, पिछले वीडियो में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पद का जो नाम है कार्यालय व्यक्ति स्टोर प्रबंधन कौशल सहित, सेकेंड है अनुशासन प्रभारी, तीन पोस्ट है इसमें, रिसेप्शनिस्ट की एक है, हिंदी टाइपिस्ट प्लस डिजाइनर की, संस्कृत जानने वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, दो वैकेंसी है, छात्रावास दीदी की कितनी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है, ड्राइवर की 2 वैकेंसी है, माली की 2 है, क्लीनर की 7 वैकेंसी है, आया की 3 वैकेंसी है और चपरासी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये नॉन टीचिंग पदों पर जो वैकेंसी है ये आपको बता दी। तो यहाँ पर आवश्यक योग्यता के लिए नोट पढ़ेंगे, आवश्यक अनुभव जो है यहाँ 2 साल का अनुभव जो है मांगा गया है, वेतन जो है योग्यता अनुसार दिया जाएगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर सैलरी दी जाती है। इच्छुक उम्मीदवार जो है अपना पंजीकरण, ये जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं। पंजीकरण करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2023 रहेगी। शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवार को 31 दिसंबर 2023 यानी नेक्स्ट डे तक जो है मेल या टेलीफोन जो है उसके द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। पहले ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा, तो ऑनलाइन इंटरव्यू तो सभी दें। ठीक है, जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं, चाहे वह शैक्षिक पदों के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वह जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू दें। यदि आप यहाँ पर पास हो जाते हैं और आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है तो फिर जो है ऑफलाइन इंटरव्यू आपका होगा और साथ में होगा डेमो। महिला उम्मीदवार को जो है यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जो है ये फोन नंबर दिया है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैकेंसी कहाँ से आई है, तो पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि योगपीठ, सभी जानते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये इसकी मेन वेबसाइट के लिंक है। अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे जो है टीचिंग स्टाफ का विज्ञापन है। अप्लाई कैसे करना है, तो दोबारा से जो है मेन वेबसाइट पर आना है। रिक्रूटमेंट में टीचिंग और नॉन टीचिंग है, तो नॉन टीचिंग वाले पे हम क्लिक करेंगे और नॉन एकेडमिक के लिए अप्लाई फॉर जॉब, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लिखना है अपना, लास्ट जो है आपका सरनेम है, तो यहाँ सरनेम लिख देंगे, ईमेल एड्रेस लिखना है, फोन नंबर जरूर लिखना है, तभी आप लोगों को जो है कॉल या ईमेल आएगा अगर आप यहाँ पर फिल करते हैं तो, क्योंकि सूचना जो है देने का जो है केवल यही तरीके हैं। व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, जेंडर मेल या फीमेल यहाँ लिखेंगे, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उम्र लिखनी है, क्वालिफिकेशन, लास्ट जो क्वालिफिकेशन है
वो क्या है, ट्वेल्थ अगर पास किया है तो ट्वेल्थ लिखें, ग्रेजुएशन पास किया है ग्रेजुएशन लिखें, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट लिखें, ठीक है, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये आप फिल कर देंगे। रिमार्क्स जो है यहाँ पर आपको कैसा लगेगा अगर आप यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक दो लाइन लिख दें। उसके बाद अप्लाई फॉर किसके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा, हिंदी टाइपिस्ट के लिए करना चाहते हैं, ड्राइवर के लिए, होस्टल दीदी, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस पर्सन विद स्टोर क्लीनर, आईआरपीएन, ठीक है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अपना जो है रिज्यूम आप लोगों को यहाँ अपलोड कर देना है। टोटल एक्सपीरियंस तो यहाँ पर जो है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो यहाँ 2 लिखेंगे और आप लोगों को कर देना है सबमिट, बस इतना ही करना है। तो ये पूरा जो है नोटिफिकेशन को आप दोबारा से देख लें, अच्छे तरीके से देख लें, परीक्षा नहीं है, फीस नहीं है, केवल इंटरव्यू रहेगा, पहले ऑनलाइन जो है इंटरव्यू रहेगा, अगर इसमें जो है आप लोग पास हो जाते हैं तो आप लोगों को ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, और साथ में डेमो होगा, यानी जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद से संबंधित जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, बस इतना ही रहेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी कैंडिडेट हैं शैक्षिक गैर शैक्षिक पदों के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 31 दिसंबर को आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि शॉर्टलिस्टेड जिन भी कैंडिडेट को किया गया है उनमें आपका नाम है या नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।